गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5। ओके, तो इसमें इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल है, तो मैं आपको एक ही करके समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ओके, तो फर्स्ट है इंट्रामुरल। तो मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल क्या है ये? ओके, तो इसका मीनिंग है द वर्ड ऑफ इंट्रामुरल इज अ डिवाइड ऑफ टू वर्ड्स। ओके, दो वर्ड्स डिवाइड हुआ है, पहला है इंट्रा एंड दूसरा है मुरल। इंट्रा मीन्स विद इन विद इन। ओके, इंट्रा मीन्स है विद इन एंड मुरल्स मीन वॉल। ओके, दस एक्टिविटी परफॉर्म विद इन द वॉल, एग्जाम्पल विद इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड इंट्रामुरल। सच एक्टिविटीज आर बेसिकली ऑर्गेनाइज बाय स्कूल्स, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर देयर स्टूडेंट्स ओनली। मतलब कि ऐसा कोई टूर्नामेंट या ऐसा कोई एक्टिविटी जो सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही, अपने स्कूल के बच्चों के लिए ही विद इन रहे, वो किसी बाहर के बच्चों को अलाउ ना करे, सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के बच्चों के लिए ही रहे, उसको हम इंट्रामुरल कहेंगे। ओके, स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल और इंस्टीट्यूशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज इन द फ्री स्प्रिट्स। दीज आर बेसिकली सर्च एक्टिविटी विच टच एंड मोटिव ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एंड एक्साइट द रेस्ट ऑफ देम टू पार्टिसिपेट इन सर्च एक्टिविटीज। ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के ही बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करे कि वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे बिना किसी डर के, तो वो मोटिवेट होंगे अगर बाहर कोई एक्टिविटी होती है उसके लिए। ओके, तो ये इसका मीनिंग था। तो फर्स्ट ये कब स्टार्ट हुआ? ओके, जो इंट्रामुरल है वो फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ? ड्यूरिंग 1864 द फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ। ओके, तो पहला गेम जो हुआ था वो क्या था? बेसबॉल हुआ था ड्यूरिंग द 1864 फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रामुरल ऑफ बेसबॉल वॉर ऑर्गेनाइज। पहला जो गेम हुआ था बेसबॉल ऑर्गेनाइज किया था विद इन द फोर वॉल्स, एक इंस्टीट्यूशन ने, एक किसी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था। ओके, अब हम मीनिंग और इसका डेट पता चल गया है कि ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो ये याद रखना है कि ये कब फर्स्ट टाइम हुआ था। कभी भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये 1864 याद रखना है कि फर्स्ट टाइम हुआ था इंट्रामुरल। ओके, एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ इंट्रामुरल का, ये मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ओके, तो इसमें पढ़ के बताता हूँ। इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली, इंट्रामुरल्स आर एक्सट्रीमली नीड। ओके, मतलब अगर ये होता है तो मेंटली स्टूडेंट डेवलप होता है, फिजिकली डेवलप होता है, इमोशनली एंड सोशली ये डेवलप होता है। कैसे? जैसे कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो वो अलग अलग तरीके से सोचने लगता है मेंटली, इमोशनली, वो जो फीलिंग होती है खेलने की वो अलग ही होती है विद इन द स्कूल, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी दोस्त के साथ। ओके, जो कोई अच्छा कॉम्पिटिटर हो उसके साथ पार्टिसिपेट करने है, सीखने में मजा आता है। उसके बाद में है दूसरा इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, चिल्ड्रन बिकम फ्रेश एंड एजाइल बाय अडॉप्टिंग इंट्रामुरल प्रोग्राम। मतलब चिल्ड्रन एकदम फ्रेश फील करते हैं अगर आप बीच में एक कोई भी एक्टिविटी करा देते हैं मंथ में, तो वो फ्रेश फील करते हैं यार कि देन मज़ा आ रहा है स्कूल में जब हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। ओके, और वो अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। एक फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स ही एक ऐसा है जो उनको कंट्रोल में ज़्यादा रखता है, बाकी ऐसा कोई कम टीचर होता है जो उनको कंट्रोल में रख पाता है या वो उनकी बात मानते हैं। ओके, दिस शुड बी कंसिडर द मेन सोर्स ऑफ रिक्रिएशनल प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन एंड दीज आर हेल्थीएस्ट सोर्स ऑफ रिक्रिएशनल। मतलब के एक एन्जॉयमेंट का एक ये प्रोग्राम है जो बच्चों को हेल्दी भी रखता है और एन्जॉय भी कराता है। ओके, तो ये इसके इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल्स। ओके, देन उसके बाद में हम जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। ओके, तो इसका उद्देश्य क्या है ये इंट्रामुरल कराने का? ओके, तो पहला है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो अगर हम इंट्रामुरल कराते हैं तो स्कूल में, अगर होता है स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में होता है, कॉलेजेस में होता है, अपने स्कूल के बच्चों के लिए होता है। ओके, तो क्या होगा? सबको ही चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम बाहर खेलने जाते हैं तो कुछ ही बच्चों को चांस मिलता है जो सबसे अच्छा हो। ओके, पर इंट्रामुरल में ऐसा नहीं है, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे हम अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं।
ओके, सेकंड पॉइंट है टू डेवलप लीडरशिप। ओके, तो लीडरशिप क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट कैन नॉट टेक लीडरशिप पोजिशन बट इंटरमुरल एड्स टू सच क्वालिटीज अमंग द स्टूडेंट्स, दोज हु हैव सच क्वालिटीज इन देम इन ब्रिंग देम आउट द सर्फेस। मतलब कि अगर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स से एक अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लीडरशिप दिखते हैं, अगर कोई खेलता है तो उसमें एक अलग सा परिवर्तन दिखता है, एक अलग सा चेंज दिखता है, तो उससे वो लीडरशिप क्वालिटी उनकी बढ़ जाती है। ओके, इस द्वारा। उसके बाद में थर्ड, टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन की फीलिंग यहाँ पर डेवलप करना। तो इसका क्या मीनिंग है, टू गेट सिंगल हैंडली एनी सक्सेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोऑपरेशन इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर द प्लेयर्स, विदाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन गेटिंग एट द टॉप पोजिशन इन द गेम ऑफ स्पोर्ट इज जस्ट इम्पॉसिबल। लेट्स अस थिंक ऑफ टीम इवेंट सिंगल हैंडली, वी कैन नॉट डू एवन अ बीट बट म्यूचुअल बेनिफिट टेक अस ऑन ओकेशन ऑन टू द टॉप एज वेल। मतलब कि अगर आप कोऑपरेशन अगर गेम में दिखा रहे हैं किसी के साथ, टीम में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, फीलिंग, तो फिर आप अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हो या अच्छा खेल सकते हो। अगर आप में अंदर ही अंदर आपका अच्छा कोऑपरेशन नहीं होगा तो आप डिफीट कर जाओगे, आप अच्छे से खेल नहीं पाओगे। तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अंदर ही अंदर। ओके, उसके बाद में टू प्रोवाइड रिक्रिएशन। ओके, अगर आप यहाँ पर ये पॉइंट जो है फोर्थ, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन में देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में, तो ऐसा कोई भी चीज़ ना हो कि आपको एन्जॉयमेंट ना हो, आपको फीलिंग ऐसी ना आए कि यार बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, तो एक कभी भी हम इंटरनली कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं गेम में, तो हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि हम मज़ा आ रहा है, जॉय फन, हम प्लेजर टू बिग पार्ट ऑफ देम, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती है, कोई अच्छा प्लेयर भी होता है। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट है टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप। ये स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है अनदर विजुअल सिग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव इंटरमुरल इज टू फोस्टर इन द प्लेयर स्पोर्ट्समैनशिप इन दिस इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ओपोनेंट एंड ऑफिशियल ऑफिसिटिंग इन द एक्टिविटीज। इट्स टीचर अलॉन्ग विद दिस द एक्सेप्ट विक्ट्री ग्रेसफुली एंड डिफीट विद ग्रेस। The intramurals attribute such qualities within the students which are very good qualities of even a common man. Intramurals competitions teach such precious quality to the students and develop them into a better human being. मतलब कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं अच्छे से या स्पोर्ट्समैनशिप से, तो आप सामने वाला जो ओपोनेंट होता है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, देन ऑफिस सिटिंग, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, अंपायर्स होते हैं, आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जो भी डिसीजंस होते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि बहुत गलत डिसीजन होते हैं, पर हम अगर हम अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, हमें पता है कि हम आगे या अच्छा खेल रहे हैं, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट होती है, हमारे गेम की रिस्पेक्ट होती है, तो आप एक स्पोर्ट्समैन सिर्फ डेवलप करते हैं खुद में। ओके, आप जो आप जीतते हैं, आप विक्ट्री करते हैं उसको भी ग्रेसफुली आप बहुत एंजॉय करते हैं, पर डिफीट को भी आप ऐसा ही बहुत गंदे तरीके से नहीं लेते कि यार हमने हमारी तो पूरी लाइफ खत्म होगी, बट आप उस चीज़ को बहुत ही ग्रेसफुली लेते हैं कि यार स्पोर्ट्स में दो टीम होती है, किसी ना किसी को तो जीतना होता है और किसी ना किसी को हारना होता है, तो वो सब चीज़ें हम डेवलप करते हैं इसमें, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा प्लेयर एक कॉमन मैन होता है जो इस चीज़ को समझता है। तो अगर हम ये चीज़ अगर करते हैं, जहाँ हम स्पोर्ट्समैनशिप अगर डेवलप करते हैं, तो हम अच्छे प्लेयर तो सही ही, पर हम बेटर ह्यूमन भी बनते हैं। ओके, तो लास्ट पॉइंट, टू डेवलप पर्सनालिटी। ओके, डेवलप पर्सनालिटी क्या है, तो ये है, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप पर्सनालिटी। अनदर बिग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमुरल इज टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। एवरी चाइल्ड हैज सम गुड क्वालिटी ट्रेट्स इन हिम, थ्रू इंटरमुरल एक्टिविटी दीज आर प्रोवोक एंड अवेकेड एज दे आर scope as opportunities of them. Thus, a student is sure to develop physically, mentally, social and emotional aspects of personality. Okay?
आप जैसे ही कोई गेम या किसी चीज को खेलते हैं टूर्नामेंट विद इन द वॉल ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो आप एक अलग तरीके से दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपके मेंटली आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं, फिजिकली आप अलग ही दिखते हैं, इमोशनली सोशली आप आपका इमेज ही अलग बन जाता है, तो आप अलग अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं। ओके, तो ये था टॉपिक नंबर 5, मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल्स, सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रामुरल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट करें, मैसेज करें। आई बी देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू।